और मैं TCM का फाउंडर और CEO तकरीबन। मैं थोड़ा सा कोई ऐसा है जिसको नहीं पता TCM का या कुछ नहीं पहले देखा हुआ या सारों ने कुछ ना कुछ देखा होगा। सो मैं थोड़ा सा आई थिंक एक ओवर ऑल बैकग्राउंड आप लोगों को दे देता हूँ। तकरीबन हमें 6 साल हो गए हैं शुरू किए हुए। हम लोगों ने तकरीबन 2017 के शुरू में शुरू किया था। उससे पहले मैं इंग्लैंड में था, वहाँ से मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था, फिर वापस आके भी या उधर भी कुछ अर्सा इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के साथ मेरा काम था, वाइस के साथ, BBC के साथ, अल जजीरा वगैरह के साथ, और फिर वापस आके भी मैं ऐसे वीडियो जर्नलिस्ट को सर्विसेज कुछ थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर रहा था। और फिर एक दिन लाइक यू नो कुछ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो है। तो कुछ लोग आप लोगों में से हैं जिनसे मेरी मुलाकात बड़ी शुरू में हुई थी और वहाँ से वी स्टार्टेड। बेसिकली जब हमने शुरू किया तो उसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे TCM शुरू करने के। एक तो ये कि पाकिस्तान में जनरली जो पोलराइजेशन है इन द न्यूज़ इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा, इन अ सेंस के सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ ही आ रही होती है, बट जो असल एक कहानी है जूम आउट करके कॉन्टेक्स्ट है स्पेशली यंग लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग था। सो एक तो वो मेन मकसद था हमारा। दूसरा हमारा ये था कि हम लोग जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ से निकल के स्लाइटली जो है ओवरऑल कॉन्टेक्चुअल न्यूज़ और एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म वाली साइड पर जाएँ। फिर एक और चीज़ ये थी कि हम लोग सिर्फ वीडियोज़ वाली साइट पे हैं। सो हम लोग एशिया का पहला वीडियो जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है। इंडिया के अंदर भी अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिर्फ वीडियोस कर रहा हो। नॉर्मली ये होता है जैसे डॉन है, ट्रिब्यून है कि TV से उन्होंने कंटेंट उठा रहे हैं या आर्टिकल भी लिख रहे हैं और अपना वीडियोस भी कर रहे हैं। और तीसरी जो एक बहुत बड़ा वर्टिकल था वो ये था कि अनटोल्ड और अनसीन स्टोरीज जो हैं पूरे पाकिस्तान में उनको किस तरह मैसेज के सामने लेके आया जाए। उससे कुछ अर्सा पहले जैसे मैंने एक स्टोरी की थी नाउ दिस के लिए, जो अमेरिकन डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ट्रक ड्राइवर। अब वो स्टोरी वेंट लाइक क्रेजी वायरल, वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 मिलियन उसके व्यूज़ थे और उनकी पाकिस्तान की वो पहली स्टोरी थी। सो वहाँ से आई वाज लाइक यार अगर हम ये कर सकते हैं तो खुद अपने तौर पर इतनी ज़्यादा चीज़ें तो वो क्यों नहीं हो सकती। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। एक हो ना कि आप बहुत ही कोई 10-20 साल आप मार्केट में हो, साफ किताब करे हो, कॉन्टैक्ट्स हो। मैं जब लिटरली पाकिस्तान आया हूँ तो मैं शायद 2-4 लोगों को जानता था। एक उनमें से एजाज थे, साउथ ही से मेरी मुलाकात किसी रेफरेंस से हुई और 1-2 और लोग थे अंदर से। बट आहिस्ता यू नो कोई फंडिंग हमारे पास नहीं थी। आप नॉर्मली न्यूज़ चैनल्स को या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जब सुनते होंगे तो वो कहीं ना कहीं से किसी को कोई ग्रांट मिली हुई है, किसी को कुछ। अभी तक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने एक भी ग्रांट नहीं ली। सो हमने पूरा बिज़नेस मॉडल इस तरह का बनाया कि हम असली जिसको वो कराची की ज़बान में धंधा कहते हैं ना, वो कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर पैसे कमा रहे हैं। गुजारा बहुत ज़्यादा नहीं है बट बिज़नेस मॉडल ये है कि वो ये ना हो कि जी वहाँ से फ़ंड ले लें, यहाँ से फ़ंड ले लें। तो हमने पूरा बिज़नेस मॉडल इस तरह का बनाया। जब हमने शुरू किया था टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 4-6 महीने के मेरे पास एक पैसे थे कि यार ट्राई करते हैं हम लोग कि कुछ चला ना चला। बिकॉज पाकिस्तान में अभी तक भी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको आप देख सकें। अभी लेट्स से मेरे पास इतने लोग आते हैं कि जी हम शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कैसे शुरू किया, क्या हर्डल्स नहीं, मेंटरशिप हो गई, मोनेटाइजेशन मॉडल्स हो गए, यूट्यूब, फेसबुक, फलाना ढमकाना। बट उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, 2-3 ब्लॉग्स थे बट वो सारे वो ये आर्टिकल वाले थे। अब गूगल एडसेंस आप लोगों में से जो वेबसाइट चला रहे हैं वो बिल्कुल और एक बॉल गेम है। हम लोग अभी भी गूगल एडसेंस हमारा नहीं है बिकॉज हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक है ही नहीं है ना, उन्हें हमारा सारा का सारा फोकस ही सोशल अकाउंट की तरफ है। बट हम लोगों ने इवॉल्व पूरा बिजनेस मॉडल इस तरह किया कि 2 लोगों से टू बी ऑनेस्ट हमारी टीम शुरू हुई। एक प्रोड्यूसर था, एक एडिटर था और एक मैं था। एक हमने ग्राफिक डिज़ाइनर पार्ट टाइम लिया जिसने लोगो शोगो बैठ के बनाया रफ्सा, और वहाँ से भी स्टार्टेड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते 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 चीज़ें जो हैं वो मतलब काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई। एज एन एग्जाम्पल विदिन 4 to 6 months पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अस एज वेल कि यार ये जो आप एक वायरल वीडियोज़ बना रहे हैं वो इन और समय वो ग्राफिक वाली वीडियोज़ आपने देखा कि बड़ा ट्रेंडी एक ज़माने में हो गई थी कि टेक्स्ट आता था, फिर एक बंदा बोल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। तो कुछ कंपनीज ने कहना शुरू किया कि जी हमें भी बना के दें। तो वहाँ से कुछ पैसे आपको 1-1.5 लाख रुपये आने लग गया, कोई 50,000 की किसी को एक वीडियो बना दे। तो प्रोडक्शन सर्विसेज हमने थोड़ा सा देना शुरू की अपनी सर्विसेज, और साथ हमने फिर TCM को फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू छोटे कंटेंट से किया, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 2.5-2.5 मिनट के पीसेस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इवॉल्व होते होते फिर 2018 में हमने पहला अपना लॉन्ग फॉर्म एक बड़ा एक सीरीज़ की इंडिपेंडेंस डायरीज़ के नाम से, जिनमें एक रोहिदा खान का इंटरव्यू हमने किया, बड़ा वायरल हो गया था उस टाइम।
जो शायद आप लोगों से लोग जानते हैं, जो ब्यूरोक्रेट है बड़े मशहूर। सेक्रेटरी बिल्कुल। तो वो था कि बेसिकली जो लोग पाकिस्तान जिन्होंने हिजरत की थी उनकी कहानियाँ थी, तो वो यंग ऑडियंस के अंदर बहुत वायरल हुई। और वो हमने उनकी पैकेजिंग इस तरह की कि ज़रा वो इंटरव्यूज आपको पता है जब आप करते हैं तो दो दो घंटे का, डेढ़ डेढ़ तीन तीन घंटे के इंटरव्यूज़ हैं, बट उसको हमने पैकेज इस तरीके के साथ किया कि वो 10-15 मिनट की कहानी वेंट लाइक क्रेजी वायरल। मतलब उस पूरी सीरीज को 15 मिलियन की मेरे ख्याल से व्यूज थे और समथिंग। सो वहाँ से हमने शुरू किया। फिर अगले साल हमने एक कम्युनिकेशंस की कंपनी सेटअप की। अगेन जब लोग आना शुरू हुए तो हमने देखा कि यार अब ये वाली भी एक मार्केट है जिसको देखा जा सकता है। तो वहाँ से फिर हम यूएन की एजेंसीज हो गई, यूएसएमसी, यू, यूनिसेफ, यूनेस्को, आगे पीछे इन सारों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किए। और फिर उससे अगले साल हमने एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी अलग सेटअप की कि बाहर के चैनल्स को जो मैं पहले सर्विसेज दे रहा था तो वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू हमने उनको देना शुरू की। और उसके बाद अभी हमने तकरीबन 2 साल पहले एक और कंपनी लॉन्च की TCM अकेडमी के नाम से। उसमें अब हम ये है कि जो यंग जर्नलिस्ट हैं या जो मिड कैरियर जर्नलिस्ट हैं उनको एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म स्किल्स हम सिखाते हैं कि आपने मोनेटाइज कैसे करना है, बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व करना है। मतलब पाकिस्तान में अभी भी कोई उस तरह का सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म आई फील लाइक हमारे अलावा नहीं है अभी तक कि जिसने बिजनेस मॉडल जो है वो फिगर आउट किया हो। सोच है और है, वो कहीं ना कहीं से किसी को ग्रांट मिल रही है, किसी को कहीं और से फंडिंग मिल रही है, किसी को कोई इंडिविजुअल फंड कर रहा है, बट हम लोगों ने जैसे मैंने कहा कि अभी तक कोई ग्रांट नहीं ली। हम लोग का सारा बिजनेस मॉडल जो है, मतलब जो पैसे, मतलब 8वें महीने के ऊपर हम लोग ब्रेक इवन पे थे। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि उसके बाद कोई भी पैसा जो है हमारी तरफ से इंजेक्ट नहीं हुआ और वो कंपनी ने खुद कमा के डाला डाला डाला। और अब माशाल्लाह हमारी कोई 35 लोगों की फुल टाइम टीम है जो ये सारी चीज़ों को देख रही होती है। और अभी तक तकरीबन हमने कोई 6-7 हज़ार वीडियोस प्रोड्यूस की हैं ओवर द लास्ट 6 ईयर्स, और तकरीबन 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे। कुछ अर्सा पहले बड़ा वायरल हमने इमरान खान के साथ जो एक क्लिप था वो एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ का पहली दफ़ा जिक्र किया, JKT और अलीम खान का जिक्र उन्होंने पहली दफ़ा किया, तो वहाँ से वो लाइक वेंट क्रेजी वायरल। अभी तक भी कुछ चैनल्स के ऊपर वो छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे होते हैं उसके। और उसके बाद ये कि हमारा एक पॉडकास्ट अलग है, फिर हमारा एक्सप्लेनर वीडियोज़ का एक अलग फॉर्मेट है, कॉन्टेक्चुअल वीडियोज़ हम अलग कर रहे होते हैं, लॉन्ग फॉर्म सीरीज़ कर रहे होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हमने ड्रोन सर्वाइवर्स के साथ जो है वो सीरीज़ एक की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों की तरफ से हमें आई। अब वो बड़ा एक्सक्लूसिव एक पीस था कि पूरा जो फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद किसी ने उस हवाले से कोई बात ही कोई नहीं कर रहा, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सेस और बहुत हमें उसकी पज़ीराई मिली। बल्कि मुझे बाद में कुछ इमरान खान के क्लोज टीम मेंबर्स के व्हाट्सएप आए कि हाँ सब के ग्रुप्स जो उनके क्लोजेस्ट हैं 8-10 लोगों के, उनमें वो वीडियोस कहीं से आई हैं। तो उन्होंने सारों को मैसेज किया गया इसको पुश करें, आप लोग ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कि लोगों तक जाए। तो बड़ा अच्छा उसके जमायमा ने उसको रीट्वीट किया और काफ़ी जो है वो एक गुआंटानामो बे के जो डिटेनीस थे पाकिस्तानी उनको भी गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस पहली दफ़ा 4-5 लोग, उससे पहले अगेन वो मीडिया पर कभी नहीं आए। फिर इस तरह के काफ़ी मंजूर पश्तीन आगे पीछे लाइक बहुत ज़्यादा ज़्यादा वो था। फिर पुलिस के साथ हमने काफ़ी, हमारा एक डायरीज का फॉर्मेट है उसको पुलिस डायरीज, जजेस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, तो वो बड़े इन डेप्थ, उनको सादा लफ्ज़ों में आप कह लें कि वो डिजिटल मेमोर्स हैं। अब ज़रा किताब बैठ के कोई नहीं पढ़ेगा, बट वो एक 15-20 मिनट का एक ऐसा पीस है कि जिसमें आपको एक बंदे की पूरी लाइफ की कहानी जो है वो आ जाती है। तो उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम लोग डे टू डे कर रहे होते हैं। तो ये मोटा मोटा जो है वो बैकग्राउंड है। आई थिंक अभी हम लोग ये था कि 6 महीने का एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक हफ्ता पूरा की ट्रेनिंग है प्रॉपर ऑन ग्राउंड, जिसमें प्रोडक्शन का सीखना, एडिट कैसे करना है, कंटेंट कैसे करना है, ये वो सारा। और फिर उसके बाद हमारा एक सेगमेंट उसका था जो फॉलो अप था वो था मेंटरशिप का। अब बहुत से लोग सीख के चले जाते हैं बट ज़ाहिर है जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम लोग फिर 3-3 महीने की मेंटरशिप भी दे रहे थे। अब हम इस साल उस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि अब मसला ये कि रिक्वेस्ट हमें इतनी ज़्यादा आती है कि ज़ाहिर आप 20 लोग ले आएंगे, 30 ले आएंगे, वह 200 बंदा तो नहीं ला सकते। अब हम लोग जो है प्रॉब्ली पाकिस्तान में पहली दफ़ा जर्नलिज्म के ऑनलाइन कस्टमाइज कोर्सेज बनाने का प्लान कर रहे हैं कि अब एक बंदा वजीरिस्तान में बैठा है, क्वेटा में बैठा है, गिलगित में बैठा हुआ है, तो उसने वो एक मास्टर क्लास देखी और लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में उसको सारी चीज़ समझ आ गई। ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ है, कोर्सेरा है, बहुत से वेब्स, फ्यूचर लर्न एक वेबसाइट है, बट अगेन वो ज़रा अगेन वो बाहर के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें हैं। वो पाकिस्तान में अप्लाई है, वो सिलिकॉन वैली की हर बंदा बात करता है जिस स्टार्टअप और ये, वो पाकिस्तान का ताल्लुक ही उससे नहीं है। हम लोग खुद भी एक मेंटरशिप के लिए
सेलेक्ट हुए दुनिया में, कोई मेरे ख्याल से 200 ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई किया था और उनमें से कोई 20 को उन्होंने सेलेक्ट किया, उनमें से हम लोग एक थे, और फिर उन 20 में से भी 5 सेलेक्ट हुई जिनको उन्होंने एक छोटी सी ग्रांट दी थी अपनी ऑडियंस टेस्टिंग के लिए। ICFJ का एक प्रोग्राम है एलिवेट के नाम से, अगर आप लोगों में से कोई अप्लाई करना चाहे, उसका सेकेंड कोहोर्ट अभी शुरू भी हुआ है, तो वो आप लोग जाके ज़रूर उसको देखें। अब अगेन उसमें वो हमने मेंटरशिप और सारा कुछ पढ़ा तो सही, बट टू बी ऑनेस्ट प्रॉबली 10% चीज़ें थी, बिकॉज अब एज एन एग्जाम्पल है वहाँ हमें BBC का प्रोडक्ट का बंदा, वाइस का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो बता रहे हैं जी न्यूज़ लेटर को मोनेटाइज कैसे करें, पाकिस्तान में लोग ईमेल ही नहीं खोलते, तो मैं न्यूज़ लेटर को कहाँ से मोनेटाइज करूँ। वेबसाइट है उसकी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, स्टोरी ब्लॉक्स, ब्लॉक हाँ नहीं ब्लॉक BLOCK आई थिंक स्टोरी ब्लॉक। ये नहीं नहीं ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ जाके आप म्यूज़िक की लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, वो पता नहीं कितने लाखों का वहाँ ट्रैक्स हैं, तो आप एक सब्सक्रिप्शन ले लें महीने की, साल की, मतलब साल की जो है वो मेरे ख्याल से $100-$150 की है, बट उसमें फिर ये कि एक अनलिमिटेड आप जितना मर्जी म्यूज़िक यूज़ करें। एक ये है, फिर इसके अंदर एक और है वीडियो ब्लॉक्स, उसमें आपको आर्काइव फुटेज मिल जाती है। आई नो वहाँ वो भी ब्लॉक है, हाँ BLOCK मेरे ख्याल से, आप गूगल करें तो आई थिंक वो आ जाएगा, स्टोरी ब्लॉक, स्टोरी ब्लॉक म्यूज़िक लिखें तो वो आ जाएगा। फिर उसके अलावा अगर आप जनरली गूगल पे जाए ना, फेसबुक का तो एक है कि फेसबुक ने अपना जो है वो फ्री म्यूज़िक लाइब्रेरी बनाई है, आई डोंट नो आप लोगों से कितने लोगों को पता है, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। सो फेसबुक गूगल पे जाएं, फेसबुक म्यूज़िक लाइब्रेरी लिखें, वहाँ से आप जो चीज़ डाउनलोड करके फेसबुक पे यूज़ करेंगे उसमें कोई आपको इशू नहीं है। इसी तरह यूट्यूब की भी अपनी फ्री लाइब्रेरी है, सो वो आप, मसला ये है कि हम लोग जाके बस जो म्यूज़िक पसंद आता है डाउनलोड किया यूज़ किया, वो एक हफ़्ता स्ट्राइक नहीं है, दो नहीं है, वो प्रॉब्लम या तो 6 महीने बाद आती है या 2 दिन में आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर एक और चीज़ है कि कुछ और वेबसाइट्स हैं, मेरे पास अभी ज़रा वो डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे कोर्स के अंदर वो चीज़ें हैं। आप अगर गूगल पे जाके लिखें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस म्यूज़िक आके उसके लिख दें, तो उसमें आपको कुछ वेबसाइट्स नज़र आएंगी वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वहाँ अवेलेबल है। सो अगर आप वहाँ से जाके, सो इनको बुक मार्क कर लें अपने लैपटॉप में जहाँ भी है, कि जब भी यूज़ करना आपको पता यार मैंने इधर जाना है, यहाँ से मैं जो भी लूँगा मैं आपको कर लूँगा। और अगर आपको फिर भी स्ट्राइक आती है तो फिर आप YouTube को सबमिट करवा सकते हैं एक एप्लीकेशन कि यार ये मैंने ये वेबसाइट है यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये देखें कोई इशू नहीं है, तो वो फिर रिमूव हो जाती है आपकी स्ट्राइक। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ें ना, वो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है, कोई आर्टिस्ट ने लिखा होता है नीचे कि जी अगर आप मेरा यूज़ करें तो मुझे डालें उधर, और कोई कहता है कि जी आपने जो इसके साथ करना है आप करना, तो वो डिपेंड करता है कि थोड़ा सा आप पढ़ लें। एक और चीज़ भी है कि साउंड क्लाउड, आप लोगों में से कुछ लोग यूज़ करते हैं जो ऑडियो है, साउंड क्लाउड के अंदर बहुत सी ऐसी म्यूज़िक हैं जो फ्री कॉपीराइट है, सो आप वहाँ पे लिखें फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक, कुछ आपको पूरे पूरे चैनल्स नज़र आएंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ लें और उसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जी ये वाला म्यूज़िक आपने जहाँ यूज़ करना है आप कर सकते हैं। सो ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो यू नो अगर थोड़ा सा आप लोग यूज़ करें तो उसका काफ़ी फ़ायदा। एक और चीज़ इन टर्म्स ऑफ द एडिट, इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन, एक कैनवा वेबसाइट है, कुछ लोगों को पता होगी आपकी, कैनवा को अगर आप जाके सीख लें, कैनवा के अंदर अभी रिसेंटली वीडियो भी आ गई है, मतलब बना बनाया टैम्पलेट है, आपने लिटरली अपनी तस्वीर को सिर्फ यहाँ लाना है, वीडियो को लाना है, टेक्स्ट लिखा हुआ है अपना टेक्स्ट डालना है और आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो CANVA उसका फ्री वर्जन भी है और उसका पेड भी है, बट फ्री से आप शुरू करें तो आपको बहुत हमारे 3 पेजेस डिलीट हो गए थे, और वो आई थिंक इंडिया के इलेक्शन से शायद 2018 के आसपास, और वो एक ही एल्गोरिथम चला है और उसने पाकिस्तान से कोई 1,000 पेज डिलीट किया, तो उसमें हमारा भी हमारा भी उसमें तकरीबन ऐसी था, हमारा भी बिल्कुल सिर्फ तस्वीर उसकी लग गई थी और लाइव चल गया था। सो अब टू बी ऑनेस्ट मैंने तो बड़ी मुश्किल से एक दोस्त का दोस्त का दोस्त पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट निकाला, मैंने रिक्वेस्ट उसको कि वो फेसबुक में काम करे, तो उसने कहा जी मैंने आगे डिपार्टमेंट में दे दिया है, तो आगे वो कह रहे हैं हम देखेंगे। अब शायद वो हमारा पेज खुद आ गया है वापस, उसने मैनुअली रिव्यू किया है, उसके बाद लिटरली मुझे लोगों ने पैसों की ऑफर करना शुरू कर दीजिए, अब लोगों के बहुत बड़े अकाउंट्स हैं जो पैसे बना रहे हैं, तो उसने मुझे लिटरली मुझे लोगों ने कहा यार मेरे से $5,000 ले लें और ये मेरा पेज वापस ला दें, बिकॉज मैं इससे 5,000 से ज़्यादा महीने का बना रहा हूँ। आप फेसबुक का एक क्रिएटर स्टूडियो है जहाँ जाके आप अपने एनालिटिक्स देख सकते हैं, पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, वो
वहाँ नीचे मोनेटाइजेशन लिखा होता है, उस पर आप जाए, वहाँ पूरा एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है, उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है, ये वो सारा। आइडियली कि अगर आपका कोई बाहर जाने वाला है, अमेरिका में, यूरोप में, यूएस, कहीं भी, वो वहाँ से अप्लाई करें तो बिकॉज उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसको आप अगर एडमिन बनाए, अगर कोई ताल्लुक वाला, ये ना हो कि वो आपको एडमिन से हटा दे। सर वो बैंक अकाउंट का क्या इशू है, पाकिस्तान वाले अकाउंट देना या हो सकता है पाकिस्तान वाला, हो सकता है। हमने अभी पहले मैंने अपना पेपाल बाहर कर दिया हुआ था, अब वो मैंने पाकिस्तान कर दिया तो वो चल रहा है, बिल्कुल कोई इतना इशू नहीं है। फ्री अकाउंट एक बना लें, एक ऐप है पेयोनीर, उसमें आप पैसे मंगवा लें बेशक, और वहाँ से फिर पाकिस्तान में आप डाल सकते हैं। सर ये बाहर का कोई है, बस बाहर का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपका बाहर का है, फ़ोन नंबर अगर वो मांगते हैं, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि चेंज भी हुई है। अभी हमने टी सी मराबिक एक लॉन्च किया अपना पेज कुछ साल पहले, तो हम अरबी में कॉन्टेंट भी बना रहे हैं। अब वो आज हमारा मोनेटाइज उसका हुआ, तो आज हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही थी कि उसको सेटअप कर दें वो सारा। अब वो मेरे दुबई में एक दोस्त है, तो मैंने उसके घर की डिटेल्स और, लेकिन बैंकिंग हमने इन्फॉर्मेशन अपनी पाकिस्तान की डाली है, तो वो ये है कि वेरी करता है कि आपसे वो मांग क्या रहा है। एक स्ट्राइक आपको आ जाए तो वो तकरीबन आपके 12 महीने से 16 महीने तक वो रहती है, उसके बाद वो जाके डिलीट होती है। एक तो ये कि आप उसको मिनिमम यूज करें। सो लेट्स से एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमने जब शाबाज अलमी ने वजीरिस्तान में एक क्रिकेट मैच करवाया था आज से कुछ साल पहले, जो बाहर से भी कुछ लोग आए थे, अब उसमें हमने जलमी का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो भी डाला, बट वो हमने डाला 4-6 सेकंड एक टोन बन जाए, और फिर उसके बाद हमने अपना जो म्यूजिक है वो डाला। तो वो मिक्स अगर आप कुछ करें ना, बट अगेन वो बड़ा ट्रिकी है। मसला ये कि आप मेरा म्यूजिक डालते हैं ना, मेरा अगर कल दिल आए ना, अब मेरे एक है राइट्स मैनेजर उसको बोलते हैं फेसबुक के अंदर। सो जब आपका पेज बहुत बड़ा हो जाता है तो फेसबुक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप राइट मैनेजर। राइट मैनेजर का मतलब ये है कि मैं राइट मैनेजर पे जाऊंगा और उसके अंदर मुझे वो सारी वीडियोज़ नज़र आएंगी जो मेरी ज़ाती वीडियोज़ हैं और वो आप सारों ने यूज़ की हैं। अब करने को मैं सारों को स्ट्राइक भेज के आप लोगों के पेजेस बंद कर सकता हूँ, या एटलीस्ट मैं स्ट्राइक भेज सकता हूँ, और अगर आप मोनेटाइज कर रहे हैं तो मैं वो वाले पैसे क्लेम कर सकता हूँ। हम लोगों ने तो कभी नहीं किया जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं जो चल रहा है हम अपना कर रहे हैं, वो रिस्क है किसी का। एक वो एक कुछ हमने ऑटो लगाए हुए जो बहुत एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है, वो एटलीस्ट हमारे से पूछ के, या अगर आप हमारा डाल रहे हैं तो हमारा नाम टैग कर देंगे कुछ, तो हमें मतलब उसका फ़ायदा हो। अब वो डिपेंड करता है। अब आप ISPR के एक ज़माने में एयरफोर्स ने हमें स्ट्राइक कर दी यूट्यूब पे, मतलब वो क्लेम भी नहीं था, वो उन्होंने स्ट्राइक मारी और 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल रोड। अब मैं एयरफोर्स के अंदर मैं गया, मैंने बंदा ढूंढा, उसको मैंने जाके मिन्नत समाजत की, मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, मतलब हम ना मोनेटाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं फिर भी, तो एनी हाउ वो सॉर्ट आउट हो गया। अब वो ये कि वो इंडिविजुअल फिर बंदे पर डिपेंड करता है कि जाके अगर मैं चाहूँ ना कि मैं आपकी वीडियो पे जाऊँगा और मैं कहूँगा भाई ये मेरा म्यूज़िक है, ये मेरा प्रूफ है, वो कोशिश आप यही करें कि आप बिल्कुल मतलब जितना देखें सेफ आप खेलेंगे वो आपको ही फ़ायदा है।